हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बच्चों के लिए, जो कि आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे। सब्जेक्ट है आपका फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी फर्स्ट एंड फार्मेकोलॉजी सेकेंड। ओके, चलिए अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, फार्मेकोलॉजी फर्स्ट यानी थर्ड सेमेस्टर में जो फार्मेकोलॉजी है उनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके, मैं आप लोगों से फिर से कहूंगी कि पूरा सिलेबस अपने को पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसे आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। वैसे ये सारे क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ओके चलिए, तो आपके फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आएगा आपका डिस्क्राइब द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्राइब करना कौन कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है। ओके, सेकेंड यूनिट सॉरी थर्ड यूनिट जो है आपका, इससे आपका गिव नोट्स ऑन एंटासिड्स एंड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स। ठीक है, थर्ड जो नोट्स है इसमें आपका, थर्ड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स। ठीक है, एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स के बारे में आपको बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन द एंटी डायरियल ड्रग्स, जो भी एंटी डायरियल ड्रग्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके चलिए, यूनिट फोर की बात करते हैं, जहां पर आपका एक्सप्लेन द एंटी एस्थमेटिक यानी आपको ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में, एंटी एस्थमेटिक्स ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है व्हाट इज एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटी ट्यूसिव्स, है ना, इसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट फोर फाइव के बारे में, जहां की आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द नोट्स ऑन, इसमें आपका हेमेटिनिक्स, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में बताना है, एंटी एंजाइना के बारे में, एंटी कोगुलेंट्स के बारे में, एंटी आर्थमेटिक्स के बारे में। ठीक है, अर्थ सॉरी एंटी आर्थमिक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिक्स यूनिट, जिसमें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में बताएंगे। एक्सप्लेन द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, अब ओरल कौन कौन से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है। ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन द थायरॉयड और एंटी थायरॉयड, है ना, जो है आपको एक्सप्लेन ब्रीफली करना है थायरॉयड और एंटी थायरॉयड्स के बारे में। क्लियर, अब बात करते हैं यूनिट सेवन की, जो कि है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटीप्रोरेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है एंटीप्रोरेटिक्स के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट है यूनिट एट, जिसमें गिव द नोट्स ऑन पेनिसिलिन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ठीक है, मलेरिया के लिए जो ड्रग्स हैं, एंटीवायरल एजेंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके थर्ड सेमेस्टर का। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का, क्योंकि आपको पता है ये दोनों थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपका साथ में मिलाकर आपका फार्मेकोलॉजी का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होगा। चलिए, अब फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट है टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर आई, जो भी टॉपिकल एप्लीकेशंस आई के लिए उसके बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है जो कि आपको डिस्कस करना होगा। ओके, सेकेंड यूनिट की बात करें तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद है डायोरेटिक्स और यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट थ्री है, यूनिट थ्री में आपका ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, तो ये जाहिर सी बात है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है गिव नोट्स ऑन ओपोइड्स, ओपोइड्स के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द जनरल एनेस्थेटिक्स, जो भी जनरल एनेस्थेटिक्स है इसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। एक्सप्लेन द हाइपोनोटिक्स एंड सेडेटिव्स, जो भी सेडेटिव्स है और हाइपोनोटिक्स है इनके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका एंटी साइकोटिक, मतलब कि जो साइकोसिस वाले प्रॉब्लम में जो भी ड्रग्स दिए जा रहे हैं उन्हें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ये आपके साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाले जितने भी ड्रग्स है, एंजाइटी साइकेटिक वाले जो भी ड्रग्स है, ये सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फोर की, तो यहाँ पर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी आपका गायनिक प्रॉब्लम ओबीजी वाले डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो भी रहेंगे तो यहाँ पर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना है, यूटेराइन स्टिमुलेंट्स के बारे में बताना है, साथ ही ड्रग फॉर मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, एमटीपी के बारे में यहां पर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, एमटीपी टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 5, जहां पर आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में बताना होगा। ठीक है, राइट नोट्स ऑन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके बाद है डिस्क्राइब द ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इसका क्या एक्शन है, क्या साइड इफेक्ट है, सारा कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। ओके चलिए, अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यूनिट 6, इसमें ड्रग यूज्ड इन
डी एडिक्शंस, क्या डी एडिक्शंस ड्रग है इसके बारे में बताओ, क्या यूजेस है इसका, एंटी कैंसर ड्रग क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्यूनो सप्रेजेंट यानी कौन कौन से इम्यूनो सप्रेजेंट ड्रग्स हैं जो कि पेशेंट को दिए जाते हैं कुछ ऐसे कंडीशन में जहां पे इम्यूनिटी को क्या करना है, सप्रेस करना है ना। इसके बाद है ड्रग यूज इन इमरजेंसी, कौन कौन से जो ड्रग्स है जो कि हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज किए जाते हैं। ओके, इसके बाद है आपका यूनिट 7, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है आयुर्वेदा के बारे में उसे यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो इतनी बातें जो थी, इतना जो था आपका क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट थे हमने देख लिए। तो इसके साथ ही आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुए और इसके साथ आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी, मतलब अच्छे से एग्जाम लिखना, मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम लिखना है और आपको फिफ्थ सेम में आना है। ठीक है, चलिए।